लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही जोड़ तोड़ की रणनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना ने एक शर्त रखी है। शिवसेना का कहना है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन तभी करेगी जब उनकी शर्त को पूरा किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर शिवसेना ने गठबंधन को लेकर क्या शर्त रखी है और उस पर बीजेपी का क्या रुख है। आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जहां तीन राज्यों में विपक्ष के महागठबंधन के सामने हार के बावजूद बीजेपी एकला चलो की रणनीति पर भी काम कर रही है। वहीं शिवसेना ने अपने सियासी दाव चलने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा में गठबंधन को लेकर शिवसेना का रुख कांच की तरह साफ है। शिवसेना के मुताबिक ये गठबंधन तभी संभव होगा जब ये विधानसभा चुनावों के लिए भी हो, सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए वो गठबंधन को तैयार नहीं है। यानी शिवसेना चाहती है कि विधानसभा लोकसभा चुनावों के साथ कराए जाएं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में सभी सांसदों से राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। खबरों के मुताबिक शाह का कहना है कि ऐसे गठबंधन में जाने का क्या फायदा जिसमें हमें नुकसान मिले। शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां जग जाहिर हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपनी रैली में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे चौकीदार चोर है का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि शिवसेना अपनी नाराजगी जताकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मोल भाव करने के लिए दबाव बना रही थी। हालांकि आज भी एक साथ होने के बावजूद दोनों पार्टियों में मतभेद कायम है, लेकिन लोकसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन के लिए बीजेपी शिवसेना की ये शर्त मानती है या नहीं। वैसे बीजेपी के रुख से साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में काफी जद्दोजहद देखने को मिलेगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।